बिग बॉस के घर से अर्चना गौतम का एविक्शन हो गया और एविक्शन के बाद काफी गिरगिराई अर्चना शिव ठाकरे और बाकी के कंटेस्टेंट के सामने। क्या कुछ कहा अर्चना ने आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल गपशप्तों को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल बिग बॉस 16 का आज का एपिसोड हमने देखा, रिव्यू भी हमने देखा और अब आपको बता दें कि एविक्शन के वक्त अर्चना गौतम काफी इमोशनल हो गई थी। जब बिग बॉस ने अर्चना को आदेश दिया कि वो इस वक्त घर से निष्कासित हो रही है तो अर्चना ने बिग बॉस से भी काफ़ी मिन्नतें की। अर्चना का कहना था कि बिग बॉस ने सभी को एक मौका दिया, इवन शालिन को भी एक मौका दिया जब शालिन ने अटैची से अर्चना पे हमला किया था, यानी कि शालिन के हाथों सूटकेस से अर्चना को यहाँ पे चोट लगा था। तब बिग बॉस ने शालिन को घर में कैप्टन ना बनने की सजा दी और 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट किया। लेकिन अर्चना को बिग बॉस के घर से बाहर निकाल रहे हैं, इसी बात को लेकर अर्चना ने बिग बॉस से रिक्वेस्ट की और फिर अर्चना बाद में शिव ठाकरे के पास भी आकर हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नतें करती है और फिर निमरीत, टीना, शालिन सभी से मिन्नतें करते हैं। लेकिन शालिन बौखला जाते हैं, सुम्बुल तो आग बबूला हो उठती है अर्चना के हरकत पे, निमरीत भी काफ़ी सुना देती है, टीना भी अर्चना को काफ़ी सुनाती है, कोई अर्चना का एक भी बात नहीं सुनता। अर्चना बार बार कहती है कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी। अर्चना अपने मम्मी पापा, भगवान जी, सबका कसम खा के कहती है कि उसे एक मौका दो, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। इतना ही नहीं, अर्चना शिव से प्रॉमिस भी करती है, वो बिग बॉस के घर में सिर्फ और सिर्फ सबको एंटरटेन करेगी, फिजिकल नहीं होगी किसी के साथ। अर्चना ये भी कहती है कि वो इंसान है, उसने इंटेंशनली कुछ नहीं किया, गलती से हो गया ये सब कुछ, लेकिन शिव नहीं सुने। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इन सब पे और आपको क्या लगता है शिव ठाकरे ने जो अर्चना गौतम के लिए डिसीजन लिया क्या ये सही है, कमेंट कर हमें बताएं। बिग बॉस 16 के हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप्तों।